दीन सिद्दीकी की शक्ल सूरत किसी भी आम भारतीय जैसी है, लेकिन अदाकारी का हुनर लाजवाब है। तकरीबन 15 साल के संघर्ष के बाद नवाजुद्दीन बॉलीवुड में अपनी पहचान बना पाए। एक जमाने में वॉचमैन रह चुके नवाज आज भी वक्त निकालकर अपने गांव जाते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। नवाज ने करियर की शुरुआत 1999 में आई फिल्म सरफरोश से की। फिलहाल इसमें उनका छोटा सा रोल था। इस शुरुआत के बारे में किसी को खबर तक नहीं हुई। साल 2012 तक नवाज ने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। फिर अनुराग कश्यप उन्हें फैजल बनाकर गैंग्स ऑफ वासेपुर में लाए और फैजल के रोल ने उन्हें घर घर में पॉपुलर बना दिया। अब जबकि नवाज इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में शुमार हो चुके हैं, तो लोग ये सोचकर हैरान होते हैं कि आखिर नवाज अपने हर रोल में कैसे ढल जाते हैं। जब इस बारे में एक इंटरव्यू में नवाज से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव चला जाता हूं और वहां जाकर अपने खेतों की देखभाल करता हूं। कुछ दिन वहां खेती करते हुए बिताता हूं। नवाजुद्दीन के मुताबिक ऐसा करने से उनके मन को सुकून मिलता है और इसके बाद वो नए किरदार की तैयारी में जुट जाते हैं। नवाजुद्दीन के मुताबिक हम 7 भाई और 2 बहनें हैं। पिता किसान थे, घर में फिल्म का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझा जाता था, बल्कि यूं कहें कि जिंदगी की लड़ाई इतनी बड़ी रही कि सिनेमा के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं थी। हाँ, जैसे हर माँ बाप की आरजू होती है कि पापा चाहते थे कि मैं अच्छी तरह पढ़ लिख जाऊँ। वो ये तो नहीं समझते थे कि कौन सी पढ़ाई करनी ठीक होगी, लेकिन हुनरमंद होने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। किसी तरह धक्के खाते हुए हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। फिर भी जॉब नहीं मिली तो 2 साल इधर उधर भटकता रहा। बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, उसमें 1.5 साल काम किया। वो नौकरी बेहद खतरनाक थी, तमाम तरह के केमिकल की टेस्टिंग करनी पड़ती थी। फिर जॉब छोड़ दी, दिल्ली चला आया और नई नौकरी तलाश करने लगा। वॉचमैन की नौकरी भी की। काम तो मिला नहीं, लेकिन एक दिन किसी दोस्त के साथ नाटक देखने चला गया। प्ले देख कर दिल खुश हो गया। इसके बाद कई नाटक देखे। धीरे धीरे रंगमंच का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। खुद से कहा, यार वही वो चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। कुछ अरसे बाद एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। साक्षी, सौरभ शुक्ला वगैरह इससे जुड़े हुए थे। तो ऐसे नाटकों से जिंदगी जुड़ गई, लेकिन थिएटर में पैसे मिलते नहीं हैं। रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। शाम की रोटी का इंतजाम हो सके, इसकी खातिर शाहदरा में वॉचमैन की नौकरी करने लगा। हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार कहलाने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी 80 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज किया करती थी। बात उन दिनों की है जब श्रीदेवी साल 1983 में डायरेक्टर के राघवेंद्र राव की फिल्म हिम्मतवाला की शूटिंग कर रही थी। ये वो दौर था जब श्रीदेवी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम थी। उनके करोड़ों फैंस में से एक फैन काफी मशहूर था और वो थे संजय दत्त। खबरों के मुताबिक जब संजय दत्त को पता चला कि श्रीदेवी फिल्म हिम्मतवाला की शूटिंग कर रही है, तो उन्होंने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस से मिलने की ठान ली। उस वक्त तक संजय नशे की लत के आदी हो चुके थे। फिलहाल उनके दोस्तों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन संजय श्रीदेवी से मिलने की जिद करने लगे और नशे की हालत में ही श्रीदेवी से मिलने चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त फिल्म हिम्मतवाला के सेट पर पहुंच गए और श्रीदेवी के बारे में सबसे पूछने लगे। वहाँ यूनिट के लोगों ने संजय से कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए, श्रीदेवी आ जाएंगी तो मिल लेना, क्योंकि हर कोई जानता था कि संजय सुनील दत्त के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त ने किसी की बात नहीं मानी और वो श्रीदेवी की वैनिटी वैन के पास पहुंच गए
और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे और जबरदस्ती वैन में भी घुस गए। श्रीदेवी संजय की हालत को देखकर डर गई थी और चिल्लाने लगी। तब तक वहां फिल्म यूनिट के लोग भी पहुंच गए और किसी तरह संजय दत्त को समझाकर वैनिटी से बाहर निकाला। इस किस्से के बाद श्रीदेवी ने संजय दत्त के साथ कभी काम न करने का फैसला किया। उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी आए जिसमें संजय के साथ काम करना था, लेकिन श्रीदेवी कई सालों तक उन्हें रिजेक्ट करती रही। यहाँ तक कि फिल्म खुदा गवाह में जब संजय दत्त को साइन किया गया तब भी श्रीदेवी के कहने पर संजय को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। फिलहाल दोनों ने बाद में फिल्म गुमराह में साथ काम किया जो साल 1993 में रिलीज हुई थी। इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात आपसे अगले एपिसोड में होगी। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।